बहुत भूख लगी होगी ना, अपनी तो कमे है नहीं कुछ, खा लो बीबी का कमाए हुआ पेट भर के ठोस करके बेशरम की तरह। अपनी गंदी जवान को लगाम दे घमंडी औरत, तुम्हें किसने कहा है बाहर जाकर नौकरी करने के लिए? मेरे पेंशन का 6,000 रुपए है ना, उसी से दाल रोटी खा लेंगे। खामोश, कितनी बार कहा है आपको, उस 6,000 के नाम भी मतलब मेरे सामने। गैस, मोबाइल, टीवी रिचार्ज कौन भरा देंगे? अगर कभी बीमार भी पड़ गए तो कौन देंगे? क्या आपका ताऊ जी आकर देंगे? तुम कितना कमाती हो हर महीने? 3,000, उसका क्या? उसी से घर की राशन लाते हो और आप खा पाते हो पेट भर के। अरे बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर, बाहर लोग देख रहे हैं। अब वही इसी लायक के कितने बार कह कर झाड़ू पोछा बर्तन ये सब किया करो, बीबी के कमाई खा कर पेट भर के ठोस लेते हो, दिन भर गांव घूमते हो। काम से आकर बहुत थक जाती हूँ। बस यही काम बाकी रह गया मेरा जिंदगी में। एक बात बता, तू अपनी नौकरी हमसे के लिए क्यों छोड़ने देती? मेरे पेंशन 6,000 में से हर महीने तुम 3,000 रुपया ले लो। अच्छा, आप मुझे 3,000 रुपए तनख्वाह दे करके अपनी नौकरानी बनाना चाहते हो? नौकरानी? पति का सेवा करने से कोई पत्नी नौकरानी बनती है क्या? बकवास बंद करो, अंदर जाकर के चुपचाप से बीवी का कमाई हुआ खाना पेट भर के ठोस लो। अगर मैंने नौकरी करना छोड़ दिया ना तो भूखे पेट मर जाओगे बेशरम कही के। जिंदगी भर मैंने अपने परिवार को अपनी कमाई करके खिलाया, मगर ये बुढ़ापा में मुझे सब इग्नोर करते हैं। जब अपने औलाद की कमाई चालू हो गया तो नया जीवन बिताने के लिए शहर चला गया, और अब मैं मेरी पत्नी की रोज रोज की ताने बर्दाश्त कर नहीं सकता। भगवान मुझे माफ करना, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, अब मैं मेरी पत्नी को बर्दाश्त कर नहीं सकता। हे भगवान, रुक जा मूर्ख, क्यों एक नंबर की तरह खुदकुशी करना चाहता है? कौन है तुम? कौन हूँ मैं? पहचान अपने आप को, मैं तेरा अंतरात्मा हूँ। मेरा अंतरात्मा? मैं तो भी जिंदा हूँ, तुम कैसे मेरे अंदर से बाहर आ सकता है? आओ मेरे साथ, अभी मैं बताता हूँ। ये क्या है? स्मशान घाट है। यहाँ पर लोग कब आते हैं? मरने के बाद आते हैं। फिर तुम मरने से पहले क्यों यहाँ आया? जैसे तू खुदकुशी करने इस नदी में आया है, वैसे मैं तेरे शरीर के अंदर से बाहर आकर तुझे आगाह करने आया हूँ। ये पाप तू मत कर, आत्महत्या एक महापाप है। तू तो नदी में छलांग लगा के अपना जान दे देगा पल भर में, लेकिन सदियों तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और भटकते रहना पड़ेगा प्रेत आत्मा बनकर इस दुनिया में। अरे मूर्ख, बड़ी मुश्किल से ही 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य की योनि इस ब्रह्मांड में मिलती है, और तू इस तरह से आत्महत्या करना चाहता है? एक नंबर कायर तू, कायर कायर है तू। लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, क्या है तू? बोल क्या तू 10-20 हजार रुपया आसानी से कमा नहीं सकता हर महीना? हर महीना 10-20 हजार, 50 हजार से 1 लाख तक कमा सकता है बड़ा आसानी से। अच्छा, ऐसा कौन सा इनोवेटिव आइडिया है तेरे पास? बोल जल्दी से। अब बता कैसा लगा मेरा आइडिया? दुर्गा प्रसाद जी, कहिए क्या बात है? ये बताइए मुझे, आपकी गाय रोजाना कितना दूध देती है? यही कोई 1 लीटर के आसपास। अगर रोज 3 लीटर दूध देने लगे तो मुझे क्या आप 1 लीटर दूध दोगे? मतलब आपका 1 लीटर और हमारा 2 लीटर? जी हाँ। ये कैसे?
हरा घास खिलाकर अच्छा चारा खिलाने से गाय का दूध बढ़ता है। ये तो सबको पता है, मतलब आजकल चारा महंगा है और हरा घास लाएगा कौन? मैं आपका गाय हर रोज चराऊंगा और जहाँ जहाँ हरा घास है वहाँ लेकर जाऊंगा। जब उसका अच्छा से पेट भर जाएगा तो सुबह आप देखना वो कितना दूध देता है। आपका आइडिया तो बुरा नहीं है, पर आप इस उम्र में ये सब कर पाओगे? देखिए, काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, दिल में लगन होना चाहिए। आपका दो पैसा फायदा तो मेरा भी दो पैसा फायदा, उसमें क्या बड़ा बात है? एकदम सही कहा आपने। तो ठीक है, कल से मैं आपका गाय चराने ले जाऊंगा। नमस्कार, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है। ये तो आपका अति उत्तम विचार है, हमें मंजूर। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ, फिर तो हम लोग शाम को भी दूध निकाल पाएंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ये तो खुशी की बात है, हमारी गाय को अच्छी भोजन मिलेगा। तो ये डील पक्की है? पक्की है। तो नमस्कार, मैं चलता हूँ। नमस्कार जी। अब यही काम बचा था करने के लिए। लगता है गांव वालों के सामने मेरे नाक कड़वा कर ही छोड़ेंगे। ये हेलो माँ। अरे बेटा, आज लगता तेरा बाबूजी पागल हो गए हैं।
मुझे बहुत डर सा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? मुझे मारने के लेने हो, डंडे में तेल लगा रहे है। जरूर आपने कुछ गड़बड़ की होगी। देखो माँ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मैं कोई जानवर हूँ? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब और दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब ले, तू खा ले इसे, नहीं तो लगाऊंगा डंडा। खा ले इसे, नहीं तो लगाऊंगा डंडा। हाँ, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। ये डंडा तुझे मारने के लिए नहीं बनाया है, ये मैंने गाय चराने के लिए बनाया है। आइए आइए आइए, ये बताइए आज दूध कितना दिया? आज तो कमाल हो गया, आज तो 2.5 लीटर ज्यादा दूध दे दिया। आपका हिस्सा ले जाइए, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए आपका हिस्सा, 1.25 लीटर दूध। नहीं नहीं, मुझे 1 लीटर दीजिए। तो ठीक है, ये लीजिए आपका 1 लीटर दूध। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। ओ बहन जी, बहन जी, ओ बहन जी, लीजिए आपका हिस्सा, बैठे चाय पी कर जाइए। नहीं, फिर कभी, अभी मुझे देर हो रही है। ये देखिए, एक ने लाकर 4 लीटर दिया और एक ने लाकर 2 लीटर दिया, पूरे 6 लीटर दूध हो गए। अरे ये तो पूरे 10 लीटर दूध है। इसमें से आधा लीटर दूध ये घर के लिए रख लो, ये जो 2.5 लीटर है ये उनको हमको दे रहे हैं। ये 2.5 लीटर दूध है, आज का ये दूध का पेमेंट हमको कैश दीजिएगा। आज हम 500 रुपया दे रहे हैं, बाद में बाकी हिसाब बाद में। ये लो 200 रुपया, अपना घर का लिए राशन का सामान लेके आना। ये लो 100 रुपया, अपना मुंह मीठा कर लेना। आज से चेहरा पे मुस्कान होना चाहिए और खुश रहना हमेशा। राम सेठ जी, राम राम। राम राम, आइए बैठिए। कहिए, कुछ काम था क्या? अच्छा, आप ये घास काटने के बाद घास क्या करते हैं? घास तो क्या करेंगे, घास तो बाहर में फेंक देंगे। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? पूछिए पूछिए, एक बात क्या, दो बात पूछिए। सेठ जी, ये घास आप कितने दिन बाद काटते रहते हो, और इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए हर महीना कितना खर्चा आता है? लगभग 3,500 के करीब। और लाइट बिल तो अलग से आता होगा? हाँ, अलग से आता है लाइट बिल। देखिए, मशीन से घास काटने से घास जल्दी बढ़ती है, अगर गाय चरा देंगे तो घास देर से होगी और देखने में भी अच्छा लगता है गार्डन। बात तो ठीक है, मगर गाय यहाँ कौन चराएगा? मैं हूँ ना, मैं अपना गाय लेकर आता हूँ। आप मुझे हर महीना सिर्फ 2,000 रुपया दे दीजिएगा, ठीक है ना? और आप हमारी गाय का ताजा दूध पीकर देखिए तो आप दुकान का दूध पीना ही छोड़ देंगे। ठीक है, आप 4 दिन बाद गाय लेके आइए। ठीक है सेठ जी, ये डील पक्की हो गई, अब मैं चलता हूँ। राम राम सेठ जी। राम राम। तुम यहाँ पर ड्यूटी नहीं गई क्या?
मेरे लिए कहाँ लेके आई हो? मैंने नौकरी छोड़ दी। कब से? आज से। खाइए अच्छे से, मिठाई भी है, रसगुल्ला भी, और घी में बना के लाइए पराठा आपके लिए खास। अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। लीजिए पानी। कौन सी मिठाई खा के आई हो? पैसा नहीं मिलेगा? हाँ, आपकी पेंशन की 6,000 है ना, मैं उसी में से अब काम चला लूंगी। अब मेरी बात गौर से सुनो, रोजाना हमें कितना दूध मिलता है? 10 लीटर। उसमें से आधा लीटर माइनस कर दो, कितना बच गया? 9.5 लीटर। साढ़े नौ लीटर इंटू हो गया तुम्हारा 50। हाँ। तो हम लोग का पैसा बनता है कितना? 475 रुपया एक दिन का। 475 × 30 महीने का हो गया 14,250। गार्डनिंग का 2,000 रुपया कितना हुआ? इसमें से 16,250 रुपया, और इनमें से 1,500 रुपया माइनस करने से कितना होता है? 1,500 क्यों माइनस? गाय का दूध बूस्टर और चापड़ के लिए ये हर मासिक 1,500 रुपया खर्चा होता है, तो हम लोग का कितना बचता है? 14,750 रुपया महीने का कुल इनकम हम लोग का होता है। अगर मैंने 25 लीटर दूध का कुल इंतजाम कर लिया, अगर 3 बागवानी का भी जुगाड़ कर लिया, तो ये हिसाब होगा 24×50 टोटल बनता है तुम्हारा 36,850 रुपया, और 6,000 ये भी जोड़ने से होता है 42,750 रुपया। फिर तो हम जल्दी से लखपति बन जाएंगे साल भर में। और मेरी 6,000 रुपए पेंशन का भी अगर इसमें जोड़ दें, तो टोटल महीना का होता है इनकम 48,750 रुपया। अगर मैंने किसी आदमी को चरावा का नौकरी में रख लिया, हर महीना 8,000 रुपया पेमेंट देकर, वो भी मेरे 40,750 रुपया हर महीने का बचत होता है। और मेरा आइडिया कैसा रहा बताओ? तो आइडिया तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने महीना का 6,000 रुपया मेरा पेंशन का भी तुमको दे दिया, तो फिर भी हम लोग को बचता 34,750 रुपया हर महीना में। इसमें से घर का खर्चा मान लो कि 6,000 और प्लस मेरा खर्चा हो गया 3,000, तो भी कुल हमें बचत होता है महीना का 25,750 रुपया हम लोग का बचत होता है। वैसे ये आइडिया आपको किसने दिया, ये गाय चरावा बनने का? मेरे अंतरात्मा ने। बहुत अच्छा आइडिया है ये। तू 2 घंटे के लिए गया, रुक, मैं 15 लीटर दूध और 2 गार्डन का देख रेख का जुगाड़ करके आता हूँ। बेटा ये दुकान संभालो, आज से ये दुकान तेरा। डेली का 60 लीटर दूध आता है, 60 × 60 डेली का है तुम्हारा 3,600 रुपया तुम्हारा, तो महीने का हर महीने का बनता है 1,08,000 रुपया। मुझे माफ़ करना पापा, मैं आप लोग को छोड़ कर शहर में रहने चला गया था। तुम्हें हमें यहाँ छोड़कर ज़्यादा पैसा चलाने चला गया था ना वहाँ? लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप बुढ़ापे में कभी बोझ नहीं बनते, बल्कि वो हमेशा तुम्हारे अच्छे और सच्चे शुभचिंतक होते हैं। एक परिवार का प्यार जिंदगी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं है बेटा। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपको ये सब करने का इनोवेटिव आइडिया कहाँ से आया? मेरे अंतरात्मा से। अच्छा बेटा, अब तुम दुकान संभालो, मैं चलता हूँ।
मुझे आप पर बहुत गर्व है पापा। अगर आपका ये इनोवेटिव आइडिया ना होता तो शायद अब तक हम शहर में भूखे मरते। दोस्तों, परिवार आपको बड़ा और मजबूत बनाने के लिए अपनी जड़ों को सहारा देता है, और इस तरह एक इनोवेटिव आइडिया से गांव में भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। चिंता चिता के समान होता है और आत्महत्या के बारे में सोचना भी महापाप है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।